السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام اخر حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما अल्ला मसलअल महमदिन महमदिनमल तला इब्राहिम वालब्राहिमीद अल्ला मबारक अल महमदूला महमद कमारक तला इब्राहिम वालब्राहिम मजीद मज्ज़ मोहतरम इस्लामी भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों अज़ीज़ बच्चों और इस्लामी माँ और बहनों जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे इस दर्स का मौजू है याजूज माजूज और उनका तारुफ प्यार रसूल सल्ह वसम ने मुख्तलिफ़ अहदीस के अंदर अपनी उम्मत के लोगों को छोटे बड़े तमाम फितनों से बचने की अपने आप को बचाने की घर वालों को बचाने की तलक़ीन और नसीहत की है ये फ़ितने किसी भी सूरत में हमारे सामने जाहिर हो सकते हैं और बतौर ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल करने की तलकीन की कि फितनों के नाजिल होने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो इसलिए कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि फितने तुम्हारे दरमियान ऐसे ज़ाहिर होंगे कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे के बाद दीगरे गिरते रहते हैं तो हम और आपको फितनों से अपने आप को बचाना है फितनों से होशियार रहना है फितनों में अपने आप को पढ़ने से हमें बचाने की कोशिश करना है और इसी तरीके से तमाम तर फितनों के ताल्लुक़ से होशियार रहना है चाहे वो हमारी ज़िंदगी में हो हमारे अपने घर में हो चाहे वो ज़ाहिर हो या बातिन हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो हर तरह के फितने से बचाने की हमें अपने आप को कोशिश करना चाहिए मेरे भाई और बुज़ुर्गों सल्लल्लाहु नबी वसल्लम ने नसीहत की और बहुत सारी अहदीस के अंदर अपनी उम्मत के लोगों को छोटे बड़े फितनों से आगाह भी किया है कि ये फितना तुम्हारे दरमियान आएगा यह फितना तुम्हारे दरमियान आएगा यह फितना तुम्हारे दरमियान आएगा उन्हीं फितनों में से एक बड़ा फितना याजूज और माजूज भी है याजूज और माजूज भी है आज के दरस में इंशाअल्लाह हम याजूज और माजूज के ताल्लुक से कुरान और अहदीस के अंदर क्या बातें हैं वो इख्तिसार के साथ जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहली बात जो इस हवाले से हमें जानना है वो ये कि याजूज और माजूज हैं कौन तो बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में अलग अलग बातें बयान की हैं लेकिन इनके बारे में दुरुस्त बात ये है कि ये हज़रत आदम सलातम की नस्ल से हैं हज़रत आदमसलातलाम की औलाद में से हैं जैसे कि हम और आप हम इंसान हैं तो जैसे हम हज़रत आदम सलाम की नस्ल में से हैं ऐसे ही आजूज माजूज़ भी हज़रत आदमसला सलाम की नस्ल में से औलाद में से ये इस हवाले से एक बात अब यह जूझ माजूझ इनका नाम क्यों पड़ा ये पूरी कौम किसी एक का नाम नहीं है बल्कि वह जो शुरू शुरू में किसी एक का नाम था या लकब था उसकी तरफ नस्बत करते हुए इनकी पूरी कौम को पूरी जरूरीत को याजूज और माजूज कह दिया जाता है तो याजूज माजूज़ नाम क्यों पड़ा वजह तस्मिया रीज़न क्या है नाम का तो इस सिलसिले में कोई दुरुस्त बात साबित नहीं है कि इनका नाम याजूज माजूज क्यों पड़ा? बाज़ लोगों का कहना है कि इनकी तादाद की कसरत बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है और ये बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ इंसानों पर हमला करेंगे जब जाहिर होंगे तो इस मुनासिबत से इनका नाम जो है याजूज माजूज रख दिया गया इसके अलावा कई लोगों ने और कई नाम रखने की वजह बताई है लेकिन बहरहाल उनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है बस एक नाम है उनकी पूरी कौम को इसी नाम से जाना जाता है कुरान के अंदर भी अल्लाह ने इनका यही नाम जिक्र किया और हदीस के अंदर भी प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान की अभी याजूज माजूज जो है इनकी नस्ल चली आ रही है हजरत नूह नौ सलाम में नूह हज़र सलाम की औलाद थी वहाँ से इनका सिलसिला चला और ये जिस इलाके में जिस बस्ती में रहते थे बड़ा फितना वहाँ मचाते थे फितना और फसाद पैदा करने वाली ये कौम थी सूरत अलकाफ़ आप बार बार पढ़ते हैं हर जुमा को पढ़ी जाती है नसीहत की जाती है सूरत अलकाफ़ के अख़ीर में जब आप पहुँचते हैं जहाँ जुलकरनैन बादशाह का अल्लाह ने तस्करा किया है तो पहले तो ुलखर्नैन के बारे में कहा कि इतने बड़े बादशाह थे कि वेस्ट में गए और पूरा इलाका फ़तेह करके चले आए यहाँ तक कि उस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज जा करके गुरूब होता और ऐसा लगा कि वो कीचड़ में एक चश्मे में गुरूब हो रहा है पूरा इलाका फ़तेह करके आए और ईस्ट का रुख किया कि चले आप पूरब की तरफ चलते पूरब का ईस्ट का पूरा इलाका फतेह करेंगे अल्लाह ने कहाता इधा बलागा मकल अशमसी जब ये उस मकाम पर पहुँचे जहाँ सूरज निकलता है तो वहाँ एक ऐसी कौम को पाया कि जो कौम इनकी बात को नहीं समझती थी इनकी जबान नहीं समझती थी और ना ही उनके जिस्म पर कोई लिबास कोई कपड़ा है बस वो ऐसी नंगी कौम है रह रही है और उनकी अपनी जबान है अपने लोगों की बातें वो समझते बाहर के लोगों की बात वो नहीं समझते अब जब एक नेक दिल इंसान उनके दरमियान पहुंचा जुलकरनैन बादशाह

हमारे और इनके दरमियान कोई आड़ कोई रुकावट बना देंगे क्या ऐसा पॉसिबल है मुमकिन है तो जुलकर बादशाह ने कहा माँ मक्न फी रबी खैर फ़ाइनू ने भी कहा अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है तो एक काम करो तुम लोग मेरी मदद करो अज अल मोबईनाधमा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक आड़ एक रुकावट बना दूंगा एक दीवार बना दूंगा अच्छा ठीक है आतूनी जुबर अलहदी अब चलो लोहे की चादर लेकर के आओ लोहे की चादर मतलब चादर नुमा काट करके बड़ा बड़ा उसको दीवार की तरह खड़ा कर दिया गया हत्ता इदा सावा खड़ा किया गया और उसके बाद कहा आग जलाई जाए आग जलाई गई और आग जलाने के बाद उस आग में पीतल को पिघलाया गया और उसे लेकर के उसी लोहे पर डाल दिया गया अब जब डाल दिया गया तो आगे जुलकरनैन बादशाह ने कहा दीवार बन गई लेकर के आओ मैं इस पर डाल दूं दीवार बन गई फमसता मस्ताऊलू नकबा कहा ये दीवार इतनी मजबूत है कि अब ये लोग इसके पार नहीं आ सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर नकब भी नहीं लगा सकते सुराख भी नहीं पैदा कर सकते और फिर इसके बाद क्या कहा हादमत में रबी ये जो इतना बड़ा काम मैंने तुम्हारे लिए कर दिया ना ये मेरे रब की रहमत मेरे अंदर कोई ताकत नहीं मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता हादमत रब्बी ये मेरे रब की रहमत फैदा चाबी फैदा चा अवादोरबी चाहू दक्का लेकिन जब ये इतनी मजबूत दीवार जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो अल्लाह इस दीवार को भी ख़त्म कर देंगे वक़ान रब्बी हक्का और मेरे रब का वादा बड़ा सच्चा है मेरे रब का वादा सच है तो फितना फसाद पैदा करने वाली ये कौम थी पूरे इलाक़े के लोगों को सताते थे ये लोग र्न बादशाह पहुँचे वहाँ के लोगों ने दरख्वात की जो मजलूम लोग थे लरन बादशाह ने इनके दरमियान जो है दीवार बना दी अब ऐसी दीवार बना दी कि वो लोग यहाँ से इस पार नहीं आ सकते गोया कि वो कौम बच गई और याजूज और माजूज को कैद कर दिया गया अब उनकी नस्ल वहाँ बढ़ रही है पड़ रही है वो लोग उसके दरमियान है फिर आगे बढ़ते हैं अब ये जो याजूज माजूज है ना ये फिर आखिर जमाने में निकलेंगे जब क्यामत करीब आएगी दज्जाल निकलेगा दज्जाल के निकलने के बाद हजरत ईसा सलाम नाजिल होंगे और फिर उसके बाद दज्जाल कत्ल होगा तो फिर याजूज और माजूज जाहिर हो जाएंगे कैसे उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ एक क्यामत की बड़ी अलामत और निशानियों में से एक निशानी क्या है याजूज और माजूज का निकलना हजरत हदेफा बिन असीद अलगफ़ारी रव तु बयान करते हैं एक मरतबा सल्लल्लाहु अक्रम सलाम ने हम मस्जिद में बैठे हुए हैं आपने अपने घर का दरवाज़ा या पर्दा जो भी कहले उसे हटाकर हमारी तरफ झांका क्योंकि मस्जिद से लक्कर नबी सल सलम का घर है आपकी बीवियों के हजरत का झांका वनत करो और हम मस्जिद में क्या कर रहे थे हमारे दरमियान बातचीत चल रही है साहबा जैसे आप मस्जिद में बैठे हैं बातचीत हो गुफ्तु हो तो ऐसे हम आपस में बातचीत कर रहे थे नबी ने पूछा मा तजा करो तुम लोग क्या बात कर रहे हो तो साहबा ने कहा नद सा हम कयामत को याद कर रहे हैं हमारी मजलिसों में होती है बात कयामत का तस्करा नहीं आता हमारी मजलिस हमारे मजलिसों में तो तजारत ये वो दिस और दैट साहबा देखे नद सा हम कयामत के बारे में बात कर रहे हैं अच्छा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पूछा कि क़यामत के बारे में क्या बात कर रहे हो ठीक है बात करो लेकिन आपने वहां सहाबा के जरिए तमाम लोगों को एक पैगाम दिया और क्या कहा इन नकूमा हता तरउना कबला आयात कहा देखो क़यामत के बारे में बात कर रहे हो तो मुझसे भी एक बात सुन लो वो क्या कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि क़यामत के आने से पहले तुम लोग दस बड़ी बड़ी निशानियां ना देख लो ये दस बड़ी बड़ी निशानियां क्या हैं नंबर एक अदुखान धुआं आसमान से धुआं आएगा सूर्य दुखान मुकम्मल इसी धुएं के नाम से एक सूर है पारा नंबर पच्चीस में अल्लाह ने कहा फर तक यउानबेबली जिस दिन धुआं जाहिर होगा और तमाम लोगों को अपनी चपेट में और लपेट में ले लेगा ले तमाम लोग उस धुएं की जद में आ जाएंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा कोई कुछ होगा मुसलमानों को जो मोमिन होंगे उनको नजला ज़ुकाम बाज दीगर रिवायतों के जरिए साबित होता है लेकिन जो काफिर होंगे वो सबके सब बेहोश हो जाएंगे अल्लाह कहेगा हा दा अदाब अलीम ये दर्दनाक आजाद तो यह पहली निशानी क़यामत की सुर दुखान के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया दूसरी निशानी व द जाल का ज़ाहिर होना द का निकलना नंबर तीन अदाबाह चौपाया एक जानवर जमीन से निकलेगा अल्लाह ने सूरत की आयम कि जब इन लोगों पर बात हमारी साबित हो जाएगी कि अब क्यामत को आना है तो हम इनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो जानवर इनसे आकर के बात करेगा जानवर होगा जैसे हम जानवर देखते हैं वो जानवर आएगा ज़ाहिर होगा निकलेगा और आकर के लोगों के दरमियान चलेगा लोगों से बात करेगा और क्या कहेगा सकान बी आयाची नायुनोर यही वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रखते हैं। तो ये तीसरी निशानी चौथी निशानी व वलूम सिम मगरबिहा सूरज ईस्ट से निकलता है क्यामत आने वाली होगी तो सूरज वेस्ट से निकलेगा और जब वेस्ट से पश्चिम से निकलेगा तो क्या मतलब होगा इसका कि अब तौबा कबूल नहीं होगी तौबा का दरवाजा बंद उसके बाद जो भी इंसान है कोई भी किसी भी तरह की तौबा करे तौबा कबूल नहीं होने वाली फिर उसके बाद नंबर पांच वनजूल ईसा अब मरियम ईसा व सलाम का नाजिल होना सलाम नाजिल होंगे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वनजूल ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना मतलब जो अल्लाह ने कहा बर अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया है तो अब जब आसमान से नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं उतरना नज़ूल उसको बोलते हैं तो ईसा सलातम आसमान से नाजिल होंगे फिर उसके बाद व याजूज व माजूज छठी निशानी याजूज और माजूज का जाहिर होना या उनका निकलना छ हो गए नंबर सात आठ और नौ व सला खसूफ तीन बड़े बड़े जलजलेम बिल मगरब एक जल्जिला मगरब में वेस्ट में एक जलजिला ईस्ट में और एक जल्जिला अरब में जो बिल्कुल पूरी दुनिया का सेंटर है यानी आगे भी पीछे भी और सेंटर में भी तीन बड़े बड़े जलजले और आखिरी व आखिर का और इन दस बड़ी निशानियों में से आखिरी निशानी नारो एक आग तखरुजु मीन यमानी जो यमन से निकलेगी और ततरुद्लास महरीब और लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक करके लेकर जाएगी मैदान महशर कहाँ कायम होगा सीरिया में शाम के इलाके में वहां मैदान महशर कायम होगा तो यमन से यह आग निकलेगी तमाम लोगों को हाँक कर यह आग ले जाएगी और सीरिया के शाम के उस इलाके में पहुंचा देगी बहरहाल वो एक अलग मौजू है हमारा जो यहां बताने का मकसद है वो ये कि कयामत की दस बड़ी निशानियां उन दस बड़ी निशानियों में से एक निशानी क्या है याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना या उनका निकलना अब ये निकलेंगे कैसे अभी तक कहाँ है पैक हैं वो दीवार के पीछे जो जुलकर बादशाह ने लगाई अब निकलेंगे कैसे सुन इबर माजा की हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तफसील बयान की चार हजार अस्सी फोर जीरो एट जीरो सयदीस है फरमायाजूजा यह फिर और माजूज की पूरी टीम पूरी नस्ल पूरा खानदान ये वो दीवार को रोजाना खोदते हैं सुराख करने की कोशिश करते हैं हता यरऊना शुआ अशमसी यहां तक कि जब बिल्कुल दीवार तोड़ लेने के या सुराख कर लेने के करीब होते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज गुरूब होने का टाइम हो गया है यराउना शुआ अशमसी सूरज की रोशनी देखते हैं कि अब तो सूरज डूबने वाला है तो उनका निगरा क्या कहता है उनसे इर्जो फसन फिर गदन का वापस चलो हम इसको कल खोद लेंगे यानी जो रह गया है इसको कल खोद लेंगे फिर उसके बाद क्या होता है फीद्ला रोज़ आना यह सिलसिला चल रहा है ये लोग खोदते हैं शाम होती है निगरान कहता है रहने दो कल खोद लेंगे बक्यासा लेकिन अल्लाह उस दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है वो बराबर हो जाती है जैसा झुलकर ने बनाया उससे कहीं ज्यादा सख्त हो जाती क्यों आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया फिर फरमाते हत्ता इदा सर मुद्दत यहां तक कि जब इनका वहां रहने का टाइम अप हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब इनके निकलने की बारी आएगी वक्त आ जाएगा वह आरा बलन्नास और अल्लाह चाहेगा कि इनको लोगों के दरमियान भेजे हा तो ये लोग उस दिन क्या करेंगे खोदेंगे वो दीवार

नहीं कह रहे थे आज ये लोग कह रहे हैं या इनका निगरा कह रहा है कि बकिया काम जो है वो इंशाला कल कर लेना तो अब इंशाला की बरकत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फया उदू दूसरे दिन आएंगे वो हुआ कह अति ही नाकूह और उसको उसी हाल में पाएंगे जिस हाल में कल छोड़ करके गए थे आज बराबर नहीं हो रही आज मजबूत नहीं हो रही क्यों इसलिए कि कल बोल कर गए थे फया फिर और जो बकिया हिस्सा है वो खोद लेंगे वजून और लोगों के सामने निकल करके आ जाएंगे लोगों के दरमियान आ जाएंगे तो ये इनका निकलने का वाकया है कि कैसे याजूज और माजूज वो दीवार तोड़ेंगे और वो दीवार जो है तोड़ करके फिर लोगों के दरमियान आ जाएंगे अच्छा ये किस दौर में होगा किस दौर में होगा ये उस दौर में ईसा सलात साम मुसलमानों के या लोगों के क्या होंगे खलीफा होंगे लोगों के अमीर होंगे ईसा अलीसलातूसलम सही मुस्लिम के हदीस नंबर टू नाइन थ्री सेवन में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया जो हदीस अभी मैं आगे तफसील से बयान कर रहा हूँ अच्छा जब ये लोग निकलेंगे हर तरफ से निकलेंगे जिधर से देखो उधर याजूज माजूज जिधर देखो उधर यही लोग नज़र आ रहे हैं हर तरफ यही लोग नजर आ रहे हैं और जब निकलेंगे तो पूरी दुनिया पर हमला कर देंगे अल्लाह ने कहा सूरतलंबिया में आयत नंबर नाइन्टी सिक्स नाइन्टी से हताफुतिहात याजूज व माजूज याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा इनकी मुदत पूरी हो जाएगी वह मिनकुल लिहाद अमीलो हर ऊँचाई से ये लोग दौड़ कर भागते हुए आ रहे होंगे वक्तारवादल हक़ और अल्लाह का सच्चा वादा करीब आ जाएगा यानी अजूज माजूज निकल जाएंगे तो क्यामत और करीब आ गई और खरीब आ गई और जब ये लोग निकलेंगे फईदा ही अब काफिरों की निगाहें झुक जाएंगी क्या कहेंगे या वही है हम तो इस तल्लु से गाफिल थे बल्कि हम जालिम थे बल्कि हम जालिम थे तो हर तरफ से ये लोग निकलेंगे और उसके बाद लोगों पर हमला करेंगे अब हमला कैसे करेंगे उसकी तफसी आगे देखते लेकिन तादाद कितनी होगी इनकी इनकी तादाद तादाद भी इतने ज्यादा होंगे कि सही मुस्लिम की हदीस के अंदर ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि इनका जो आगे वाले लोग होंगे बिल्कुल आगे जो होंगे तो इनके आगे की टीम ही बुहैर तबरिया एक दरिया है आप कह लें तबरिया नाम का उसका सारा पानी इनके शुरू वाले लोग यानी जो आगे की तादाद है यानी आधे से कम ही लोग सारे पानी पी जाएंगे पूरे दरिया का पानी वो लोग पी जाएंगे फरमाया फया मुर्रू अला बुहैरतिन तबरिया फैश और माफीहा उस दरिया के पास से गुजरेंगे और इनके शुरू वाले लोग जो बिल्कुल शुरू शुरू में लश्कर में होंगे वो सारा पानी उस दरिया का पी जाएंगे और तादाद भी इतने ज़्यादा होंगे आप अंदाज़ा करें ज़मीन पर इंसानों की तादाद ज़्यादा है कि जानवरों की जाहिर सी बात है जानवरों की अब ये इतने ज़्यादा होंगे फरमाया कि इनके मरने के बाद यानी जब मर जाएंगे लोग तो जानवर जो जमीन के होंगे इनकी लाशें खाकर खूब मोटे ताजे हो जाएंगे खूब मोटे यानी इतने ज्यादा ये लोग होंगे सुन निबन ही के हदीस है चार हजार अस्सी नंबर की वदी नफ्सी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है इन न दवाब बल अर लतसमानु जमीन के जानवर जो है मोटे हो जाएंगे मिलो में कैसे इन लोगों का गोश्त खा करके याजूज और माजूज का गोश्त खा करके जमीन के जानवर बिल्कुल मोट इतनी ज्यादा तादाद में याजूज और माजूज होंगे अच्छा याजूज और माजूज जब निकलेंगे तो मैंने बताया किसके दौर में ईसा आल सलात के दौर में अब इधर याजूज माजूज निकलेंगे उधर अल्लाह हुक्म देगा किसको? को ईसा आल को कि इन अखरज तो इबाद अली कि मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे निकाले हैं इस वक्त कि जिनसे मुकाबला करने की किसी के अंदर ताकत नहीं है तो ऐसी आप अपने साथियों को लेकर के हमारे पास या हमसे मुलाकात बात करने के लिए कोहे तूर पर चले आइए जहां पर सलाम गए थे तो इधर मुसलमानों को या उनकी एक तादाद को लेकर के ईसा सलाम कोहे तूर पर चले गए और इधर अल्लाह या और माजूज को निकाल देगा इधर याजूज माजूज निकलेंगे और याजूज माजूज जब निकलेंगे हर तरफ से इन्हीं की तादाद नजर आएगी तो फिर आगे फरमाया वयमुर्र अब जब ये लोग निकलेंगे तो निकलने के बाद जो जमीन पर बकिया लोग होंगे यानी जो ईसा सलाम के साथ कोह तूर पर गए उनके अलावा जिसको पाएंगे सबको कत्ल कर देंगे तमाम लोगों को कतल कोई बाकी नहीं बचेगा इनसे तमाम लोगों को कत्ल कर देंगे जो भी मिलेगा जमीन पर जितने लोग हैं सारे लोगों को कत्ल कर देंगे ये भी सही मुस्लिम की आदिश नंबर टू नाइन थ्री सेवन और ईसालाम और उनके साथ जाने वाले तमाम लोग वहां पर क्या है कैद होकर रह जाएंगे जाहिर सी बात है अब याजूज माजूज के पास नहीं आ सकते इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद है कि उनको भी मार देंगे तो वहां पर गोया कि वह लोग कैद हो जाएंगे कोहे तूर पर अच्छा जब वो कोहे तूर पर चले जाएंगे कैद हो जाएंगे तो यहां इनकी हुक्मरानी हो जाएगी जमीन पर याजूज और माजूज की अब जब इनकी हाँ आ, हुकूमत होगी हुक्मरानी होगी चीज़ें बड़ी महंगी हो जाएंगी चीजें मिलेंगी नहीं यहां तक कि फरमाया हत्या यकून रा दीनार लिया फरमाया कि बैल का एक सर बैल का एक सर उनके लिए सो दीनार से कहीं ज्यादा बेहतर होगा अब सौ दिनार कितना होता है एक दिनार सवा चार ग्राम एक दिनार सवा चार ग्राम अब सवा चार ग्राम के हिसाब से सौ दिनार को करें तो चार सौ पच्चीस ग्राम अब चार सौ पच्चीस ग्राम दिनार सोने को बोलते हैं। चार सौ पच्चीस ग्राम सोने की कीमत इस वक्त निकालें कितना आएगा यानी तकरीबन बीस से पच्चीस लाख रुपए 20 से 25 लाख रुपए की कीमत के बराबर एक बैल के सर की कीमत हो जाएगी ये इनके आने का असर फितना फसाद बिगाड़ खराबी जमीन में इंतजार ये सारी चीजें अच्छा ये सिलसिला चलता रहेगा इनकी जानिब से फितना और फसाद ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी ये ज़मीन वालों को मार देंगे तो ज़मीन वालों को मारने के बाद अब आसमान की तरफ ये लोग जो है वो वहां पर हुकूमत करने की सोचेंगे तो फिर क्या करेंगे फयरमोना बिसहा महिम इलासमी अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे और आसमान की तरफ तीर जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से वो तीर जब वापस आएगा तो उस तीर में खून लगा होगा किसी को लगेगा नहीं लेकिन उसमें खून लगा होगा फाय खून लूना और तीर जब जमीन पर वापस आएगा ये लोग याजुज माजुज देखेंगे तो कहेंगे कहरना आहल अर्जी हमने जमीन वालों पर भी कब्जा कर लिया वह समाई और जमीन वालों पर भी हमने कब्जा कर लिया यानी अब जमीन भी हमारी आसमान भी हमारा जमीन पर भी कब्जा आसमान पर भी कब्जा बड़े खुश हो जाएंगे अच्छा उधर सारे मुसलमान सारे लोग परेशान ईसा सलातम के साथ रहने वाले तो अब क्या करेंगे तो ईसा अलीसलातूसलाम से लोग कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ कर दें ईसालाम से कहा जाएगा कि आप अल्लाह से दुआ करें ईसा आल सलात अल्लाह से दुआ करेंगे तो अब ईसा आल सलात जब दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेगा और याजूज और माजूज की गर्दन में अल्लाह कीड़ा पैदा कर देगा याजूज माजूज की गर्दन में कीड़ा पैदा कर देगा और गर्दन की बीमारी में वो लोग मुबतला हो जाएंगे अब जब गर्दन की बीमारी में मुबतला होंगे फयुस बिहु न फ़र्सा का मऊ थी नफसिन वाईदा तो उस बीमारी से तमाम लोग एक साथ मर जाएंगे जैसा कि एक आदमी मरता है यानी जैसे एक आदमी मरता है इसे पूरी खौब इनकी मिट जाएगी ख़त्म हो जाएगी सबको मौत आ जाएगी सो माया ही तो नबीसी वर्दी फिर हज़रत ईसा सलाम और उनके तमाम साथी कोहे तूर से ज़मीन पर आएंगे अब ये लोग खत्म हो चुके हैं सब मिट चुके हैं सब मर चुके हैं फला और जब ये लोग जमीन पर वापस आएंगे कोहेतूर से तो जमीन पर एक बालिश जगह भी नहीं होगी जहां इनकी लाशें मौजूद ना हो इतनी तादाद कि एक बालिश गोया की सात आठ नौ इंच आप कह लें नौ इंच की आठ इंच की जगह भी नहीं होगी कि वहां पर पैर रख दिया जाए वो जगह खाली नहीं होगी इन लोगों की लाशें वहां पर पड़ी होंगी अब बदबू भी आ रही होगी लाश है बदबू करेगी एक और मुसीबत आ गई तो अब इस मुसीबत को कैसे दूर किया जाए और हर तरफ लाश ही लाश है तो फिर से तमाम लोग ईसा सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इस मुसीबत से ना जाते यानी कुछ लोग होते हैं जिनका जिंदा रहना भी मुसीबत और जिनका मर जाना भी मुसीबत यानी कौम के लिए इतने बुरे होते हैं कि ना उनकी जिंदगी में कौम के लिए खैर है ना उनके मर जाने के बाद कौम के लिए खैर है यह बहुत निहायत ही वाहियात उला एक बरिया यही लोग हैं जो जमीन की मखलूक में सबसे बुरी मखलूक अपने आप को लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाना चाहिए और अगर फ़ायदेमंद नहीं बना सकते तो कम से कम नुकसान दे भी अपने आप को लोगों के लिए मत बनाए ठीक है फिर उसके बाद इसल सलाम दुआ करेंगे अल्लाह से तो अल्लाह से दुआ करेंगे फय तायरन फ़यरन का तो अल्लाह इज्जत उनकी दुआ को कबूल करके अब परिंदों को भेजेगा ये सही मुस्लिम की हदीस है परिंदों को भेजेगा और परिंदे भी कैसे होंगे एक परिंदा एक ऊंट के बराबर एक ऊंट के बराबर परिंदा होगा फतह मिल अब ये परिंदे इन लोगों की लाश को उठाएंगे फतह राई الله और अल्लाह की जहां मर्जी होगी वहां ले जाकर इनकी लाशों को ये लोग फेंक देंगे ये परिंदे अब आप तस्वर करें यही सारी हदीसें हैं कि जिनको सामने रख करके लोगों ने रिसर्च किया और फिर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो है जानवर बनाते हैं वो इमेजिन वो ख्याल वो तस्वूर इतने बड़े बड़े जानवर इतने बड़े बड़े परिंदे इतनी सारी चीज़ें जो इंसानों को उठा लें और उनके साथ ये सारी चीज़ें जो आप समझते हैं बहरहाल तो ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी सो मयूर अल्लाह बारिश नाजिल करेगा अब अफजहरी बात लाश तो चली गई लेकिन जो बदबू पीछे छोड़ कर गई है वो जो बदबू पीछे छोड़ कर गई वो तो अभी बाकी है तो अल्लाह अब फिर बारिश नाजिल करेगा अब बारिश नाजिल करेगा ला यकुन मिन हुई तो मदरन वला वबर हर जगह इस बारिश के कतरे जो है वो गिरेंगे ये बारिश इतनी बरकत वाली होगी कि सारी जगहों पर ये बारिश के कतरात गिरेंगे फयु गसिलवा हता युकहा का और ये बारिश ज़मीन को मुकम्मल तरीके से धो कर रख देगी और ऐसे हो जाएगी जैसे कि इस पर कुछ था ही नहीं बिल्कुल पाकिज़ा बेहतरीन और खूबसूरत ये ज़मीन हो जाएगी तो इस तरीके से याजूज और माजूज जो है वो हलाक होंगे मरेंगे और किस तरीके से मरेंगे वो पूरी तफसील आपके सामने बयान की गई याजूज माजूज का फितना जो है जैसा कि पूरी तफसील बयान की बहुत तबाह कुन है बहुत तबाह कुन है देखिए अब रफ्ता रफ्तार देखे क्यामत की छोटी छोटी निशानियां मुकम्मल हो रही हैं आप किताबें पढ़ें छोटी छोटी निशानियां जितनी हैं अदीस के अंदर तकरीबन उनमें से सारी कंप्लीट हो चुकी कयामत बड़ी करीब है कयामत बहुत करीब। किसी को मालूम नहीं कि कयामत कब आएगी लेकिन बड़ी बड़ी निशानियाँ जैसे जाहिर होंगी एक बाद दीगरे सब सब धुआं उसके बाद चौपाया दज्जाल, ईसाई सलाम इमाम मेहदी का जहूर ये याजूज माजूज तीनों जलजले वो आग एक बार दीघरे सब आते चले जाएँगे याजू माजू इतना बड़ा फितना कि पूरा पानी पी जाएंगे दरिया का आप देखें ज़मीन पर कब्जा इनका होगा लोगों को कत्ल करेंगे और लोग इनके खौफ से जो है वो कैद होकर रह जाएंगे लेकिन फिर भी बचेंगे नहीं इस आल के साथ जाने वालों को छोड़कर कोई नहीं बचेगा जहां तक ही लोग पहुंचेंगे सब लोगों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे अच्छा ये इतना बड़ा इनका फितना है लेकिन अल्लाह रब्जत जिस इलाके को बचाना चाहे बचा ले सही बुखारी की हदीस है हदीस नंबर वन फाइव नाइन थ्री याजूज और माजूज इतनी बड़ी तादाद निकलेंगे हमला करेंगे फितना बपा करेंगे फसाद जिसको पाएंगे कत्ल करेंगे लेकिन उसके बावजूद हज और उमरा जारी रहेगा हज उमरा जारी रहेगा कितना ही बड़ा फितना दुनियावी एतबार से क्यों ना आ जाए लेकिन अल्लाह के घर का हज और उसके घर का उमरा बंद नहीं हो सकता दाल दाखिल हो रहा है फरिश्ते जो है वो चारों तरफ से गिरे हुए ना वो मक्का जा सकता है ना मदीना जा सकता है और फरिश्ते निगहबानी कर रहे हैं निगरानी कर रहे हैं कोई इंट्री नो एंट्री पूरी दुनिया में कहीं भी जा लेकिन यहां तेरे दाखिले पर पाबंदी अल्लाह की अल्लाह की अल्ला अपने घर के फरमाया और ऐसे ही नहीं कहा कि हज उमरा जारी रहेगा बाकायदा ताक़द के लफ्ज़ के साथ अलबत् यकीन ज़रूर हज होता रहेगा उम्र होता रहेगा याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी निकलने के बाद भी तो वहाँ के लोग कितने बुरे क्यों ना हो जाएँ वहाँ के लोगों पर या वहाँ के इलाके पर किसी और कौम की किसी और मुल्क की कितनी ही बुरी निगाह क्यों ना हो जाए लेकिन अल्लाह रब्ज़त अपने उस घर की हिफाजत करने वाला है जैसे उसने अब्रहा से हिफाजत किया जैसे दीगर मौकों पर हिफाजत किया जैसे और दीगर मौकों पर हिफाजत किया वैसे आज भी कर रहा है और आइंदा भी करेगा दज्जाल से भी करेगा याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी करेगा आखिरी बात इस हवाले से याजूज और माजूज के ताल्लुक से गलत फहमियाँ हैं बहुत सारी हमारे यहाँ लोगों के दरमियान याजूज और माजूज को इंसान की टीम से समझने के बजाय उसको कोई तीसरी मखलूक समझा जाता है कि आजूद माजूज इंसानों में से नहीं है, बल, कुछ और हैं वो लोग नहीं इंसानों में से इसीलिए कहा कि जहन्नम में जो जाएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया एक हजार में से एक जन्नति बाकी नौ सौ निन्यानवे जहनमी यह नौ सौ निन्यानवे किस में से होंगे याजूज माजूज में से अब इससे भी आप अंदाजा लगा ले कि इंसानों के मुकाबले में आजूज माजूज कितने हैं एक हजार में से एक जन्नती और नौ सौ निन्यानवे जो जानम में जा रहे हैं वो याजूज माजूज़ के ख़ानदान से ये इंसान में से इंसानों में से कोई तीसरी मखलूक नहीं है दूसरी बात एक ज़ीफ़ रिवायत का सहारा लिया जाता है और वो ज़ीफ़ रिवायत क्या है यानी याजूज माजूज के ताल्लुक से कि याजूज और माजूज की जो तख्लीक़ हुई यानि जो पैदा हुए ये अलैहिस्सलाम के बगैर यानी आदम सलाम सिर्फ आदम सलाम के जरिए अल्लाह ने इनको पैदा किया जैसे अल्लाम को अल्लाह ने सिर्फ आदम से पैदा किया वैसे आजूज और माजूज को भी सिर्फ आदम के जरिए पैदा किया किसी औरत का मिलाप इसके अंदर शामिल नहीं है हदीस क्या है फरमाया कि ये आदम की औलाद में से हैं कि एक मरतबा हजरत आदम को अहतम हो गया एहतलाम हो गया और वो नुतफा जो उनकी शर्मगाह से निकला वो ज़मीन में मिल गया वो ज़मीन में मिला और इस तरह ज़मीन पर याजूज और माजूज की तख़लीक हो गई यह अल्फाज देखिए हदीस के पहचानने का एक तरीका कि अल्फाज ही बता देते कि इसके अंदर झोल है इसके अंदर झोल है तो ये रिवायत जो है ज़ईफ है और इस एतबार से भी ज़ईफ है क्योंकि सही अहादीत से ये बात साबित है कि अम्बिया को कोहतलाम नहीं होता क्यों यानी आप ख्वाब देखते रात में उसकी वजह से आपकी शर्मगाह से जो है वो आ, मनी का खरूज होता है और फिर उसके बाद आपको गुस्ल की जरूरत पड़ती है वो एक अलग टॉपिक है लेकिन ये जो चीज़ है ना वो अम्बिया कर के साथ नहीं होता क्यों क्योंकि ये शैतानी ख्वाबों का नतीजा होते हैं सब और अम्बिया आलतम शैतानी ख्वाबों से महफूज हैं और मामून हैं तो ये ज़ीफ़ रिवायत का सहारा लिया जाता है याजूज और माजूज की पैदाइश के तल्ल से तीसरी बात वो ये कि बाज़ लोग याजूज और माजूज के बारे में कहते हैं कि ये तातारी हैं जिन्होंने मुसलमानों पर बगदाद वगैरह के अंदर हमला किया चंगेज़ ख़ान अलाक़ू ख़ान और उनके साथ जो तातारी पूरे का ये तातारी लोग जो हैं याजूज माजूज हैं फिर बाज़ लोग चीनी को यानी चीन के रहने वालों को कहते हैं कि आजूज माजूज बाज लोग रूसी कौमों को कहते हैं रूस रशिया के लोग वहाँ के लोग जो हैं ये तमाम बातें जो हैं ये अहदीस के कुरान के ख़िलाफ़ हैं अगर यही लोग याजूज माजूज हैं तो गोया कि क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो गई जो कि शरी अहादीस के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है ये आज के इस दर्स का खुलासे कलाम ये हुआ कि याजूज और माजूज का फितना एक बड़ा फितना है अगर हमारे इस दौर में जाहिर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप उससे बचने की दुआएँ ना करें बल्कि छोटे बड़े तमाम तरह के फितनों से बचने की हमें दुआएँ करते रहना चाहिए प्यारे नबी सल वसलम द जाल के फ़तने से पना आगे करें दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे तो ऐसे ही हमें हर तरह के फितनों से पनाह मांगना चाहिए ज़िंदगी के मौत के और इसी तरीके से कर्ज़ के बोझ के गुनाह के और बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं जिनको आप अपने लिए बुरा समझते हैं उन सारी चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते रहें हर तरह के फितनों से पनाह मांगते रहें इसलिए कि अल्लाह की तौफीक के बगैर आप किसी मुसीबत से अपने आप को नहीं बचा सकते अल्लाह का फजल शामिल ना हो अल्लाह की रहमत शामिल ना हो अल्लाह का करम शामिल ना हो तो कोई भी आपको किसी भी मुसीबत से नहीं बचा सकता और एक मामूली सी मुसीबत से भी आप परेशान हो जाएंगे लेकिन अल्लाह से जुड़े रहेंगे अल्लाह से फितने से बचने की दुआएं करेंगे और इसी तरीके से उन तमाम चीज़ों का सहारा लेंगे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदाबीर के हवाले से बताई हैं तो इन श्ला आप हर छोटे बड़े फ़ितने से महफूज़ रहेंगे बस इसी पर हम इतफ़ा करते हैं अल्लाह रब्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी को छोटे बड़े तमाम फितनों से महफूज रखे अल्लाह हमें नेकियों के काम करने और बुराइयों से बचने की तोफ़ी अता फ़रमाए मलाय करीम हम सभी को कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं उन तालीमात को सीखने उन्हें जानने अपने बच्चों के अक़ायद की ईमान की हिफाजत करने खुद अपने अकायद की हिफाजत करने करने की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातिमा तो खातिमा बिल खैर हो वल्ला तआला على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته